हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग एसएससी जेई। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन आरसीसी स्लैब यूजिंग माइल्ड स्टील रिइंफोर्समेंट इज गिवन बाय। फर्स्ट ऑप्शन 0.35%, सेकेंड 0.152, सी 0.15, डी 0.3%। द करेक्ट ऑप्शन इज 0.15% फॉर द माइल्ड स्टील। एंड फॉर द एच वाई एस डी बार, डिफॉर्म्ड बार के लिए कितना का फ्रेंड्स? डिफॉर्म बार के लिए हो जाएगा 0.12%। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। टू ऑबटेन वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, इट्स नेसेसरी टू यूज वेरी फाइन ग्रेन वोल्केनिक सोडिया मैग्नेटाइट बेराइट ग्रेनाइट। करेक्ट ऑप्शन इज बी ग्रेनाइट। सेकेंड, विच आर द फॉलोइंग टाइप इज लाइम इज यूज फॉर द अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन? फैट लाइम, क्विक लाइम, स्लैग लाइम, हाइड्रोलिक लाइम। फ्रेंड्स, फर्स्ट फैट लाइम इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइम। क्विक लाइम इज अनहाइड्रेटेड लाइम एंड स्लैग लाइम इज हाइड्रेटेड लाइम। द करेक्ट ऑप्शन इज हाइड्रोलिक लाइम विच इज यूज अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। विच वन हैज द लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी? लूज ग्रेवल, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, कंपैक्ट ग्रेवल। द करेक्ट आंसर इज लूज ग्रेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो। फ्रेंड्स, एक्चुअली मैंने स्टील स्ट्रक्चर का वीडियो अपलोड कर दिया प्लास्टिक एनालिसिस का, उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है और भी आए हैं आरसीसी के, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि इसका एग्जैक्ट क्या होता है फार्मूला। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो करेक्ट फार्मूला होता है वो आपका है यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। देखिए दो होता है फ्रेंड्स, एक होता है डक्टाइल के लिए होता है, एक होता है ब्रिटल के लिए। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, डक्टाइल एक ब्रिटल के लिए। डक्टाइल के लिए जो होता है वो यील्ड अपॉन वर्किंग होता है, यील्ड अपॉन वर्किंग, और ब्रिटल के लिए होता है अल्टीमेट अपॉन वर्किंग। ठीक है, दोनों का यही बस ये है कि कौन से मटेरियल के लिए आप लिख रहे हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए लाइन कैनाल द फ्री बोर्ड इज मेजर्ड फ्रॉम द फुल सप्लाई लेवल टू टॉप ऑफ द लाइनिंग। फुल सप्लाई लेवल टू टॉप ऑफ द बैंक, तो टॉप ऑफ द लाइनिंग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बाई विच इट गेट्स परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर ए लोड विच इज नॉट रिकवर्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड। तो फ्रेंड्स, वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है जो रिकवर्ड नहीं होता है? वो होता है आपका प्लास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी वो होती है जिसको हम रिकवर कर लेते हैं अपने ओरिजिनल शेप में, रिकवर हो जाता है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एट क्वेश्चन, द कंक्रीट हैविंग अ स्लंप ऑफ 6.5 सेंटीमीटर इज नोन एज प्लास्टिक ड्राई अर्थ मॉइस्ट सेमी प्लास्टिक। द करेक्ट आंसर इज प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिलरी राइज इन अ फिनोमेना दैट इज एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी फ्लूइड। तो कैपिलरी राइज कैसे होता है, मतलब विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, डेंसिटी, किस वजह से? वो होता है आपका आंसर सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन इज अ फ्लूइड फिनोमेना एंड विच इज अकर्ड ओनली द फ्री सर्फेस ऑफ द लिक्विड सर्फेस नॉट अंडर वाटर। ओके फ्रेंड्स, द वैल्यू ऑफ सी वी फॉर सार्फ एज्ड ओरिफिश इज जनरली 0.98। सी वी द कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, द करेक्ट आंसर इज 0.98। एज अ चीप अल्टरनेटिव फाइननेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, IS 19 सी यूज करते हैं जहाँ पे एटलीस्ट 95% पास, तभी तो फाइननेस होगा फ्रेंड्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सडन एक्सियल लोड, देखिए फ्रेंड, सडन एक्सियल लोड और आपका सडन एक्सियल लोड और एक है एक्सियल लोड यानी स्लो एक्सियल लोड। तो जो हम लोग ग्रेजुअली अप्लाइड करते हैं किसी भी मेंबर पे लोड, उसके लिए क्या होता है स्ट्रेन एनर्जी? एक सडन होता है। तो सडन के लिए आपका जब भी आप देखिए, ध्यान रखिए एक चीज़ देखिएगा आप, कि अगर ये आपका ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस है, ठीक है, सडन अप्लाई तो ऐसे कुछ बनेगा, तो ये एरिया निकालेंगे,
तो अगर आपका ये लोड लगा रहे हैं, ये लोड है, ये लोड का है का, अब ये डिफ्लेक्शन का है, तो पी इंटू डेल्टा हो जाएगा इस एरिया। अगर आपका ग्रेजुअली अप्लाई करें तो ऐसे कुछ करके होगा, ऐसे ऐसे होगा स्टेप्ड करके, तो ऐसे ट्रायंगल बनता है यानी 1.2 बेस पी इंटू डी डेल्टा ज़्यादा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पी इंटू डेल्टा, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा सी हो जाएगा, क्या जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस फॉर हैंड ड्राइविंग रिबिड इन एक्सियल टेंशन 250, 80, 90 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपका ये दो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड इसका 80, क्या हो जाएगा 80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज जनरली डन बाई यूजिंग वेंचुरीमीटर, तो होता नहीं प्रेशर जो डिस्चार्ज के लिए होता है, पिटोट ट्यूब वेलोसिटी के लिए होता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर जो होता है वो आपका प्रेशर डिफरेंस मेजर करता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट, कैल्शियम क्लोराइड एडेड इन कंक्रीट इज एक्ट एज रिटार्डर एक्सेलरेटर, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका एक्सेलरेटर। देखिए कैल्शियम क्लोराइड आपका एक्सेलरेटर जल्दी सेट करता है, और जो रिटार्डर होता है वो आपका जिंक होता है। ठीक, क्या होता है जिंक होता है, ठीक सॉरी जिप्सम होता है, क्या होता है जिप्सम, सॉरी जिप्सम होता है, लगभग 2-3% मिला के हम लोग उसमें ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है, लास्ट में उसको बोलते हैं आपका रिटार्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कंटेंस डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल आइटम ऑफ वर्क एक्सक्लूडिंग देयर क्वांटिटीज अलॉन्ग द करंट, तो वो आपका शेड्यूल ऑफ रेट होता है, क्या होता है शेड्यूलिंग करते हैं उसको, जिसमें जो कि उसके क्वांटिटी को एक्सक्लूड करते, पूरा हम एस्टिमेट करते हैं क्वांटिटी एक्सक्लूड रहता है। ठीक है, चलिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज यूनिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या यूनिट होता है। ठीक है, सिंपल, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी आए यानी वॉल्यूम पर वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी पर डेंसिटी, ठीक है, तो यूनिट वेट अपन यूनिट वेट, तो हमेशा यूनिट वेट जो होता है, अगर वाटर के टर्म में देखेंगे तो उसको लेते हैं हम लोग फ्लूइड के टर्म में वाटर लेते हैं, और अगर हम लोग एयर लेंगे तो एयर में हम क्या लेंगे एयर हम लोग लेते हैं, अगर हम लोग एयर में लेंगे तो गैस में लेंगे तो गैस में एयर होता है। ठीक है, हो जाएगा इट्स हैड नो यूनिट। ठीक है, इट्स हैड नो यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कंस्ट्रक्ट मैसिव डैम द टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड इज कंस्ट्रक्ट ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो मैसिव डैम के लिए अगर बनाते हैं तो उसके लिए लो हीट सीमेंट यूज करते हैं, क्या करते हैं लो हीट सीमेंट हम यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा, लोहिट सीमेंट यूज करते हैं। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग ठीक है कि हमको रैपिड रैपिड तुरंत आपका हार्ड होता है, तुरंत आपकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है और सीमेंट शेट हो जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं रैपिड हार्डनिंग। और ऑर्डिनरी सीमेंट दैट सीमेंट व्हाट इज यूज्ड इन जनरली ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज करते हैं ऑर्डिनरी पोर्ट एंड सीमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, ध्यान रखिए फिलेट वेल्ड की जो साइज होता है वो हमेशा अगर आपका ऐसे यानी जो प्लेन ऑफ वेल्डिंग है वो सेम नहीं है तो उस टाइम उसको बोलते हैं फिलेट वेल्ड। अगर सेम रहता है वो आपका बट वेल्डिंग होता है, क्या होता है बट वेल्डिंग। तो फिलेट वेल्ड मतलब ऐसे अगर अगर ये दो मीटर ऐसे आप ज्वाइंट करें ऐसे यहाँ वेल्ड करें तो ऐसे ही वेल्ड करेंगे। ठीक है, ये सब रूट है, ऐसे वेल्ड करते हैं तो ये जो इसका ये ऐसे कर देखिए ऐसे ये तो इस ट्राइंगल में S1 हो गया S2 हो गया तो जो मिनिमम होता है जो मिनिमम साइड होती है उसको बोलते हैं फिलेट वेल्ड। ठीक है, फिलेट वेल्ड आपका उसकी साइड यानी स्मॉलर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, साइड ऑफ इस साइड ऑफ द ट्राइंगल यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन लिमिट स्टेट डिजाइन फॉर बार इन कंप्रेशन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, फिर ध्यान रखिए कि मैंने RCC का डेवलपमेंट लेंथ बॉन्ड लेंथ का पूरा वीडियो मैंने बना दिया है, उसको आप देख सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होती है, हम लोग डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं फिर LD इक्वल टू होता है, ध्यान रखिए LD इक्वल टू 0.87, ठीक है 0.87 FY 5/4 tau BD, क्या होता है 4 tau BD, तो tau BD इज नोन एज बॉन्ड स्ट्रेस डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। तो अगर ये जो निकला फार्मूला ये आपका मतलब टेंसाइल मतलब टेंशन निकला होगा और भी माइल्ड स्टील निकला है, अगर वो भी टेंशन यानी कि माइल्ड स्टील अंडर अंडर टेंसाइल जोन, अगर उसको कंप्रेशन लगाते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे 25% बढ़ा देते हैं। ठीक है, जिससे कि LD की वैल्यू 25% घट जाती है, इसी ध्यान के तो डिक्रीज बाई 25%। बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगा, सॉरी बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू हम बढ़ा देंगे। ठीक है,
इंक्रीज बाय 25%, लेकिन हम लोग एलडी घटता है 25%, ठीक है, ये ऑप्शन डी आता सही है। द मेन गैस लिबरेटेड फ्रॉम एनोरोबिक, इस ध्यान किए एनोरोबिक स्लजेस डाइजेस्टर, तो एनोरोबिक में ध्यान किएगा, अगर एनोरोबिक है तो जिसमें इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो जब ऑक्सीजन इम्प्रेजेंस में मतलब ऑब्सेंस में हो रहा है तो वहाँ पे हमको ऑर्गेनिक कमांड मिलता है, यानी कि CH4 हमको मिलता है, CH4 ऑप्शन सही रहेगा, इस ये आते रहेगा। अगर आपका एरोबिक रहता है तो हम NH3 करते, बट अगर क्या है एनोरोबिक है तो CH4 होगा, कार्बनिक कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, जिसमें कार्बन कंटेंट होता है। स्पेसिंग ऑफ स्टेट स्टिरप सॉरी स्पेसिंग ऑफ स्टिरप इन अ रेक्टेंगुलर बीम, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इंक्रीज एट द एंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीप कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द बीम लेंथ होता है, डिक्रीज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बीम होता है, इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ बीम। तो ध्यान रखिए जब भी हम अगर बीम अगर बनाए हैं तो इसको आप देखेंगे कि जो शियर फोर्स की वैल्यू होता है ऐसे बनाएं तो यहाँ पे अधिक होता है, यहाँ पे अधिक होता है, मैक्सिमम यहाँ पे होता है सपोर्ट पे, और सब यहाँ बढ़ते बढ़ते यहाँ घटते आता है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट क्या यहाँ जीरो होती है फिर बढ़ती आती है ऐसे, तो एज अकॉर्डिंग बेंडिंग मोमेंट हम अगर ड्रा करेंगे तो जो जो स्टिरअप है वो आपका सेंटर मैक्सिमम होता है, यहाँ पे कम होता है क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट के लिए कम होती है, ठीक है, मिनिमम होता है, इसलिए हम लोग सेंटर का हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए द मिनिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन RCC कॉलम, तो ध्यान रखिए जो मिनिमम परसेंटेज होता है रेनफोर्समेंट का वो आपका होता है 0.8% और मैक्सिमम जो होता है वो होता है आपका 6%, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, द बीम इज शोन इन फिगर, कौन सी बीम है इसको ध्यान रखिए, बीम को सिंपल बहुत 3-4 बीम स्टैंडर्ड है उसे इस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये तो क्या कैंट सिंपली सपोर्ट बीम जिसमें केवल दो ही सपोर्ट होते हैं, इंड सपोर्ट पे एक रोलर है एक हिंज है, एक ही होता है एक पे फिक्स कर दें और एक को फ्री कर दें, एक होता है कि एक कोई बीम हैंग करा कोई पार्ट उसका हैंग कर रहा है, अगर दोनों पार्ट हैंग करा तो उसको बोला डबल ओवर हैंगिंग बीम, अगर केवल एक ही पार्ट हैंग कर रहा है तो जैसे इसमें केवल एक ही पार्ट हैंग कर रहा है तो उसको बोलेंगे सिंगल ओवर हैंगिंग बीम, तो आपका करना था क्या हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सिंगल ओवर हैंग बीम, ठीक है। चलिए द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम इज जीरो व्हेन इट्स लेंथ इज, तो जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो जो है कि क्या होता है बताइए, जीरो तो हो नहीं सकता, बट अगर उसका पूरी साइड अगर सपोर्टेड है उसके लेंथ पर, ठीक है, लिखा है इज सपोर्टेड ऑन ऑल साइड थ्रू आउट द लेंथ, उसको हम बोलते हैं वहाँ पे सिंपल शॉर्ट क्या होता है जीरो, ठीक है।